हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का 6 बज रहा है। मैं इस टाइम छत पर वॉक करने के लिए आई हूँ और इस टाइम छत पर बहुत अच्छा लगता है। हल्की हल्की सी हवा चल रही है और सुबह ठंडक भी है, तो इस टाइम मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, फिर इसके बाद जाऊँगी नीचे। और अभी देख सकते हैं आप पीछे का व्यू, अभी इतना अच्छा लग रहा है। और अभी देखिए चांद भी दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो अब बहुत जल्दी सुबह हो जाती है ना, तो इसलिए 6 बजे देखिए कितना उजाला हो चुका है। तो चलिए मैं फटाफट से थोड़ी देर वॉक करती हूँ, फिर इसके बाद नीचे चलती हूँ। मैंने थोड़ी देर वॉक भी कर लिया है और अब चलती हूँ नीचे। देखिए सुबह सुबह कितने फूल खिले हुए, कितने सुंदर लग रहे हैं पेड़। तो इस टाइम पेड़ भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलो मैंने भी वॉक कर लिए, अब चलती हूँ नीचे फटाफट से। देखिए इस पेड़ में कितनी पत्तियाँ निकल आई हैं। उस दिन दिखाया था बिल्कुल सूखा था, अब इतना हरा हो गया है। तो हरी हरी पत्तियाँ निकल आई हैं, सारे पेड़ हरे हरे होने लगे हैं। इधर ये भी हरा हो गया, अभी सारे सूख गए थे, सारी पत्तियाँ निकल गई थी तो सारे सूख गए, फिर से इनकी पत्तियाँ वापस आ गई हैं। तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा था टहल के, तो चलो फिर मैंने अच्छा स्टाइल भी लिया है। अब चलती हूँ नीचे। तो मैं नीचे आ चुकी हूँ। नीचे आके पहले एक गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ, फिर इसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ। और आज संडे है इसलिए थोड़ा सा काम लेट है, बट इतने टाइम तो मेरा खाना भी बनने लगता था। और आज भी नहीं स्टार्ट हुआ है, तो मैं पहले गर्म पानी पी लेती हूँ, फिर इसके बाद अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पानी मेरा गर्म हो चुका है, निकाल लेती हूँ गिलास में। थोड़ी देर इसको बैठ के पीती हूँ, फिर इसके बाद फटाफट से काम करती हूँ। ऊपर उजाला था बट नीचे लाइट अभी भी जलानी पड़ रही है। नीचे इतना क्लियर नहीं दिख रहा था, तो अभी भी लाइट जल रही है। और जब ये बालकनी का गेट खोल लेती हूँ ना इधर, तब सब अच्छे से दिखाई देता है। बट परमानेंट खोल के भी नहीं रह सकते, बंदर का बहुत डर रहता है, बंदर आ जाते हैं, तो इसलिए बंद रखती हूँ। और पी लेती हूँ पानी और फटाफट से काम करती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी पोहा, और पोहा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं एक साइड मूंगफली के दाने फ्राई कर रही हूँ, और मैंने प्याज कट कर लिया, टमाटर कट कर लिए, शिमला मिर्च और मटर, ये सब डाल के बनाऊँगी। और पोहा मैंने धुल के रख लिया है, और पहले से धुल के रख लो ना तो बहुत अच्छा फूल जाता है, तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है और खिला खिला बनता है। और मैंने जीरा डाल दिया था, इसके बाद प्याज भून लूँगी। आप लोग चाहो तो इसमें करी पत्ता और लाल साबुत मिर्च भी डाल सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर प्याज भून लूँगी, जब प्याज हल्का सा भून जाएगा तो फिर इसी में शिमला मिर्च मैंने डाल दी है, तो दोनों साथ में भून जाएंगे, नहीं तो शिमला मिर्च कच्ची रहती। तो प्याज थोड़ा भून गया है और डाल दी, लेकिन दोनों एक साथ भून जाएंगे। और जब शिमला मिर्च भून जाएगी तब से मसाले डालूँगी, और इसमें हरी मिर्च भी डाल दूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो चाहूँ तो वीक में 2 बार भी 3 बार भी खा सकती हूँ, बट नहीं बनाती हूँ, अलग अलग बनाना पड़ता, मुझे बहुत पसंद है। तो चलो बना लेती हूँ, इनको भी पसंद है तो फिर ये रहता, हम दोनों लोग खा लेते हैं। अंश नहीं खाता तो उसके लिए दूसरी चीज़ बना देती हूँ। और यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दूँगी,
और धनिया पाउडर भी डाल दूँगी। जब मसाला भुन जाएगा तो इसी में टमाटर भी डालूँगी और बहुत टेस्टी भी बना था। और आप लोग भी ऐसे बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें जितनी सब्जियां डालो उतना अच्छा लगता है। इसमें मेन होते हैं मूंगफली के दाने, ये हैं उनको बहुत, मतलब इसमें पोहा में डालो तो बहुत टेस्टी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे टमाटर डालिए और मटर भी डाल दूँगी इसी तरह। इसके बाद डाल के मटर 5-7 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, तो अच्छे से मटर भी पक जाती है और टमाटर भी गल जाते हैं अच्छे से। तो नहीं तो फिर मटर भी अच्छी रहेगी। इसको प्लेट से 5-7 मिनट के लिए ढक दूँगी और अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ पर तो देख सकते हो कि यहाँ टमाटर और मटर दोनों चीज़ पक चुकी हैं। अब इसमें ऐड कर दूँगी पोहा। तो पोहा मैंने धुल के रख लिया था, ये देखिए अच्छा सब फूल गया है, फ्लफी हो जाता है एकदम से। तो अब डाल दूँगी और बहुत खिला खिला बनता है। और इसके बाद मिलाने के बाद इसमें मैंने नींबू ऐड किया था, वो मैंने शोर नहीं कर पाया है। और इसके बाद हरी धनिया डालूंगी। यहाँ डालूंगी मूंगफली के दाने। जब पोहा मिला लिया था मूंगफली दाने डाल दिए। मूंगफली दाने डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए फिर बंद कर दूंगी प्लेट से, तो अच्छे से मसाला भी मिल जाता है। तो यहाँ प्लेट से बंद करने के बाद ये देखिए पोहा बनकर हो गया रेडी। तो इसमें डाल दूँगी हरी धनिया और नींबू मैंने डाल दिया बताया था। जब पोहा खाने के लिए हो गया है रेडी, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी ट्राई करना ऐसे बनाना, और बहुत टेस्टी बना था। यहाँ मैंने निकाल लिया है प्लेट में खाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। आज मेरा बहुत छोटी सा वीडियो है, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हुई एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।